आगे बढ़ते हैं, कहां कांग्रेस कार्यकर्ता पर हुआ बम से हमला, मध्य प्रदेश में कहां प्रदर्शनकारियों पर चली पुलिस की लाठी, और दिल्ली के मंगोलपुरी में लोगों ने क्यों किया प्रदर्शन, देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पर बम से हमला किया गया। हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय वर्चस्व दिखाने को लेकर यह हमला हुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी में आरकू वैली में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये सभी लोग तेलंगाना से आरकू वैली घूमने गए थे। वापस लौटते वक्त मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में कुल 23 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना रनौत के विवादित ट्वीट से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस के सामने उग्र प्रदर्शन किया और कंगना को किसानों से माफी मांगने की मांग की। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के रोहतक में मेहर सिंह कुश्ती अखाड़े में फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मामला पुराने रंजिश का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से भी रिंकू शर्मा के घर के आसपास नजर रखी जा रही है। रिंकू शर्मा के भाई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी। रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मंगोलपुरी में निकाले गए मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मार्च में शामिल लोगों ने रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हैदराबाद के नेरेड मीट में एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से छात्रा की परेशानी समझने के बजाय फीस भरने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दूसरे छात्रों के सामने उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश की गई। इससे परेशान होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। यूपी के मिर्जापुर में फर्जी मदरसों को कागज पर चलाकर लाखों रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग और फर्जी संचालकों की मिले भगत से लाखों का घपला होता रहा है। आरटीआई के जरिए 20 मदरसों के फर्जी होने का खुलासा हुआ है। फर्जी मदरसों की जांच एसआईटी करेगी। 143 और मदरसों को जाँच के दायरे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मोनू सारपुरिया गैंग के शार्प शूटर मनीरुल को गिरफ्तार किया है। हत्या समेत कई केसों में वांटेड मनीरुल पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। अरसी से फरार मनीरुल को पुलिस ने ट्रैप लगाकर उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नजफगढ़ में एक वारदात को अंजाम देने जा रहा था।